हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिमोटली एक्सेस आरएचएल 8 सिस्टम ऑन मोबाइल फोन वाया एसएसएच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लिनक्स मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसएसएच की हेल्प से अपने लिनक्स सिस्टम का रिमोट एक्सेस अपने मोबाइल फोन पे कैसे यूज करेंगे। तो चलिए, उसके लिए आपके लिनक्स सिस्टम में एसएसएच अनेबल होना मस्ट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरएचएल 8 हो या सेंटोएस 8 हो, उसमें आपका ओपन एसएसएच पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है। बस आपको एसएसएच की सर्विस को अनेबल करना होता है। और अगर फायरवॉल अगर आपका सिस्टम में अनेबल है तो फायरवॉल में आपको 22 पोर्ट को अनेबल करना होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप उसको अनेबल करेंगे अपने आरएचएल 8 सिस्टम में। तो अगर आपको पता नहीं है कि ओपन एसएसएच ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे rpm-qa और ग्रैब करके आप यहां लिखेंगे ओपन एसएसएच। तो देखिए ओपन एसएसएच से रिलेटेड आपका क्लाइंट पैकेज भी इंस्टॉल्ड है, सर्वर भी पैकेज इंस्टॉल्ड है और नॉर्मल ओपन एसएसएच पैकेज भी इंस्टॉल्ड है। तो इसलिए आपको पैकेज इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए हम सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसएच डेमन को रीस्टार्ट कर देते हैं और फायरवॉल में चेक कर लेते हैं क्या एसएसएच अनेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कमांड चलानी होती है firewall-cmd -list-all। और अगर आप अपने सिस्टम में फायरवॉल को स्टॉप कर देंगे तो आपको पोर्ट को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके, देखिए मेरे सिस्टम में फायरवॉल इज नॉट रनिंग, मेरे सिस्टम में फायरवॉल स्टॉप है, तो इसलिए मुझे पोर्ट ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल अनेबल है तब आपको एक कमांड रन करनी होगी firewall-cmd-permanent-add-service=SSH। तो आपको ये सर्विस ऐड कर देनी है अपने फायरवॉल में और उसके बाद आपको कमांड रन करनी है firewall-cmd-reload। तो जो भी आपने चेंजेस करी वो आपके फायरवॉल में ऐड हो जाए। उसके बाद आपको जहां भी एक्सेस करना है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मोबाइल पे आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है जूस्ट एसएसएच। क्लियर, आपको जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए आपके पास जूस्ट एसएसएच एसएसएच क्लाइंट करके एक एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल फोन में इसको इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ओपन होएगी तो आपको क्या करना है, क्विक कनेक्ट करना है। उससे पहले हम अपने लिनक्स सिस्टम का हमें आईपी पता होना चाहिए। तो जैसे देखिए मेरे लिनक्स सिस्टम का आईपी जो है 192.168.43.201 है। तो अब आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे क्या करना है, क्विक
क्विक कनेक्ट पे जाना है आपको। क्विक कनेक्ट पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर एक SSH की टाइप शो हो रही है और यहाँ देखिए यूजर नेम, होस्ट नेम और पोर्ट नंबर आपको लिखना है कि आपको किस यूजर से इसको एक्सेस करना है। चलिए मैं इसको रूट यूजर से ही एक्सेस कर लेता हूँ और देन आपको क्या करना है एट द रेट और यहाँ आपको आपके सर्वर का IP मेंशन करना है। जैसे मेरे सर्वर का IP है 43201 और अगर आपने कोई एक्सटर्नल पोर्ट पे SSH को कॉन्फ़िगर कर रखा है तो आप कोलन लगा के वो पोर्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट पोर्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आप सिंपली ओके बटन दबा दीजिए। ओके बटन करने के बाद देखिए आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं रूट का, आपको रूट का पासवर्ड यहाँ डिफाइन करना है। तो देखिए जैसे ही आपने एंटर कर दिया पासवर्ड तो आपको आपके लिनक्स सिस्टम का SSH रिसीव्ड हो चुका है। अभी आप यहां पर जो भी कमांड चलाएंगे वो कमांड आपकी यहां फायर होएगी और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एंटिटी जैसे आप अपने सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। चलिए जैसे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं mkdir और मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ लिख दिया 1234 डायरेक्टरी का नेम और मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए मेरी एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है और मैं ls और फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए जो मेरी 123 डायरेक्टरी थी वो आपको देखिए नंबर 1 पे शो हो रही है। तो इस तरह से आप अपने RHEL 8 सिस्टम का रिमोट अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस कर सकते हैं और जो भी कमांड आप रन करेंगे वो कमांड आप फायर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने RHEL 8 सिस्टम का रिमोट अपने मोबाइल फोन पे ले सकते हैं और कुछ भी वर्क कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।